दिफाई तज्जियाकारों और आलमी उमूर के माहरीन ने खदशा जाहिर किया है कि हमास रहनुमा की शहादत से गजा जंग मजीद फैलेगी और हमास की मुजाहमत बढ़ेगी। इस्माइल हानिया की शहादत ईरान की खुदमुख्तारी पर हमला और हमास के लिए बड़ा नुकसान है। जंग बंदी के इम्कान मादूम हो गए, साबित हो गया इसराइल मुजाकरात के लिए संजीदा नहीं था। हमास रहनुमा की शहादत ने गजा जंग के मजीद फैलाव के खदशात बढ़ा दिए। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने वाजे किया कि अब हमास की जानिब से मजाहमत बढ़ेगी, खिता मजीद जंग की तरफ जाएगा। आई डोंट थिंक सो ज़ायनिस्ट लॉबी या उनके जो बैकर्स हैं वो चाहते हैं कि अमन हो, जो लाइक कि ये खिता जो है मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और अभी डिपेंड करता है कि ईरान एज अ स्टेट क्या रिस्पॉन्स देता है, बिकॉज उनके प्रेजिडेंट अभी कल हलक उठाया है तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस चीज को रिस्पॉन्ड किया जाए। तो क्या कितना जो है एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह के आसार में नजर आ रहे हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत को ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया और मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है ये, एक किस्म की एक मुल्क की सॉवरेनिटी बटायर होता है कि जब उनके तो वहाँ पर मेहमान के तौर पर चले वहाँ पर अटैक कर दीजिए, इसको पूरी दुनिया को कंडेम करना चाहिए, मुसलमान मुल्कों को चाहिए कम अज़ कम इकट्ठे हो जाए। तजियाकार हसन अस्करी ने भी खदशा जाहिर किया कि अब गजा की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, जंग खत्म होने के इम्कान नजर नहीं आते। इस वाक़े से अब खतरा ये है कि जो मिडिल ईस्ट है, खासकर जो फलस्तीन का इलाका है, खासकर गजा का जो इलाका है, वहाँ सूरत हाल मजीद जो है वो खराब हो सकती है और ये कोशिश से किसी तरीके से जंग खत्म हो उसके इम्कान अब नजर नहीं आते। आलमी उमूर की माहिर हुमा बकाई ने इस्माइल हनिया की शहादत को हमास के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। डेफिनेटली डेफिनेटली इसराइल ने एक और रेड लाइन क्रॉस की है और मेरा ख्याल है कि ईरान की तरफ से अभी तक तो मैंने कोई जवाब नहीं देखा है, लेकिन रिस्पॉन्स आएगी और हमास को जाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तजियाकारों ने वाजे किया कि हमास रहनुमा की शहादत से साबित हो गया कि इसराइल मुजाकरात के लिए संजीदा नहीं था, बल्कि आलमी दबाव की वजह से मुजाकरात का ढोंग रचा रहा था।